am Jitendra Kumar. First of all, very good evening to all of you. My channel name is Jitendra Kumar Economics 7050543391. Today, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं जनरल इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो मैं 10 क्वेश्चन की डिस्कस करूंगा जो बहुत ही क्रूशियल एंड अमेजिंग टाइप का है जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है, अच्छी चांस है. तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ए राइट टू प्रिंट करेंसी नॉट अप टू द वैल्यू ऑफ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हम लोगों को सेंट्रल बैंक है उसके पास कितना करेंसी वैल्यू का छापने का राइट है. मतलब वो जैसे अभी 2000 हम हाईएस्ट देख रहे हैं तो कितना तक वो छाप सकता है वैल्यू तक. तो जनरली आदमी हम लोग सोचते हैं 2000 तक, लेकिन एक्चुअल में रिजर्व ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पास जो राइट है इट कैन प्रिंट करेंसी नॉट अप टू द वैल्यू ऑफ 10,000. 10,000 वैल्यू का भी नोट छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये पहली क्वेश्चन है. दूसरी क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, जीरो लैंडलेस प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन, किस राज्य में जीरो लैंडलेस प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च किया गया. तो उसका करेक्ट आंसर है केरला. और ये नोट्स से डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, प्लीज अंत तक वीडियो देखें. आपको प्रत्येक दिन मैं प्रयास करूंगा 10 इकोनॉमिक्स का क्रिटिकल क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेवा में प्रस्तुत करूंगा. और इस वीडियो को अंत तक देखें. और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल जितेंद्र कुमार इकोनॉमिक्स को, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन मिल सके आपको. अगर लाइक आया तो पसंद करें, एक लाइक आया तो शेयर करें. ओके, थर्ड क्वेश्चन, उन्नति इज ए क्रेडिट कार्ड इशू बाय विच बैंक. तो उन्नति जो क्रेडिट कार्ड है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, तो चिंता की कोई बात नहीं. अगर इसका डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स भी अवेलेबल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सुने और ध्यान दें. विच करेंसी इज द कॉल्ड फाइबर, किस करेंसी को FIBER फाइबर कहा जाता है, तो वो करेंसी का नाम है यूरो. ओके, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड. फिफ्थ, व्हाट इज द मीन्ट बाय व्हाइट लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम आखिर है क्या. तो व्हाइट लेवल एटीएम, तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. एटीएम इंस्टॉल बाय नॉन बैंकिंग कंपनी, कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा जो एटीएम इंस्टॉल किया जाएगा उसी को व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं. एंड इकोनॉमिक्स मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्स एंड अनसर्टेनिटी, मतलब कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने रिक्स एंड अनसर्टेनिटी के बीच में डिफरेंसेस किया, कौन सा इकोनॉमिक्स था. इनका नाम था फ्रैंक नाइट. अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो इन्हें अच्छी भली भांति आप इन्हें जानते होंगे. क्वेश्चन नंबर 7, बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी सरपास द प्राइस ऑफ विच कॉमोडिटी, मतलब बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी जिसने ओवरटेक कर लिया किस कॉमोडिटी को, तो वो है गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिटकॉइन जो वैल्यू जो सरपास किया वो है गोल्ड, सोना. क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not a multilateral funding agency? आपको रहेगा 4 ऑप्शन, तो आपको याद रखना है WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फंडिंग मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी नहीं है. Which of the following item has a highest angel value? Angel elasticity with respect to private final consumption expenditure, वो है 9th का होगा L. I mean to say that किस item में
हाईएस्ट एंजिल इलास्टिसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ओके, एंड केस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। दैट मींस कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकता, हाउ मच दे कैन डोनेट, तो ओनली 2000 रुपीज, ओनली 2000 रुपीज ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं किसी भी एनी पॉलिटिकल पार्टी को। तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया और ये इसका सारा का क्वेश्चन अलोंग विद आंसर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली प्रेस द बटन ऑफ डिस्क्रिप्शन, गेट 10 क्वेश्चन विद आंसर, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो प्रेजेंट मोर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्वेश्चन फॉर जनरल इकोनॉमिक्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। Okay.